आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो हमने अपने जो है अभी न्यूज़ पेपर जो आया है आप सबने देख लिया होगा, न्यूज़ पेपर देखा है ना आपने, एप्लीकेट का ओरिजिनल आए उसके अंदर जो है जो वाले एमसीक्यू जो चैप्टर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी उन चैप्टर्स में से हैं जिसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज आ रहे हैं, यानी 6 एमसीक्यूज आएंगे, मैक्सिमम 6 ही आ रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स में से थे, ठीक है। और इसका रीज़न दूसरा भी हो सकता है कि ये एक तो एडवांस फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा एक डेवलप हो रही है बाहर कंट्री में, तो अगर कोई पढ़ता है ना बायोटेक्नोलॉजी तो उसको ऐसे ही वहाँ पर मैंने एक अलग तरीके से कंसिडर किया जाता है, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं हर तरह से कि वो जो भी रिसर्च करते हैं जो भी काम करना चाहता है वो सही तरीके से करें, यहाँ पे नहीं होना इस तरह से कुछ भी, और यहाँ पर उसकी अहमियत ही नहीं है। आप बाहर ये समझें कि उसको इतना पे भी करते हैं, वो रिसर्च भी करेगा और सारा काम भी करेगा उस इंस्टीट्यूट के लिए, उस जगह के लिए, और वहाँ के लिए जो है अच्छे खासे अमाउंट भी पे करते हैं उसको इस बेस पे कि वो जो है इसको टाइम दे और हमारी कंट्री के लिए जो है नई चीज़ डेवलप जो है वो कर ले कुछ, यहाँ पर इस तरह से नहीं हो रहा। लेकिन आगे जो है वहाँ पर जो इतनी अहमियत है, अब क्योंकि COVID-19 आया है, COVID-19 की भी जो ताल्लुक है वो बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्ट है, क्योंकि इनका काम जेनेटिक मटीरियल में मैनिपुलेशन करना बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों का काम ही है, उसके अंदर वैक्सीनेशन करना है या फिर जेनेटिक मटीरियल में क्या चीज़ चेंजेज हो रही है, सारी चीज़ें जो है ना बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियर जो होते हैं वो डील करते हैं, देखते हैं इस चीज़ को। तो उस लिहाज से भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई है, मुमकिन है पहले जहन में नहीं था कि क्या क्राइटेरिया है, लेकिन अभी इन्होंने इसकी जो मैक्सिमम जो 6 एमसीक्यूज कर दिए एज़ कम्पेयर टू बाकी के चैप्टर्स के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनमें भी कई ऐसे हैं जिनके 6 नहीं है और इसके 6 एमसीक्यूज कर दिए टोटल में से, तो 80 out of 6 जो आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहिए तो हो सकता है इस बेस पे कोविड के बाद में इन्होंने इसको जो है हेल्प देना शुरू कर दी थोड़ी सी इस चैप्टर को, वरना तो इंटर में भी इसको जो है बस पढ़ाया तो जाता है लेकिन बच्चे जो है ना समझने के लिए नहीं पढ़ते, वो पेपर पास करने के लिए इसको पढ़ते हैं और रट्टा मार के, तो इतना आसान होता भी नहीं है और इतना फिर फोकस भी नहीं किया जा रहा टीचर की तरफ से इस पर, क्योंकि बच्चों का भी वो नहीं होता और टीचर का भी इस तरफ फोकस नहीं होता, बच्चों का फोकस दूसरी तरफ होता है, क्लिनिकल टाइप की चीज़ें मसल्स कैसे चल रहा है वहाँ पर, बड़ा आसान सा टॉपिक है वो बड़ा आसान से समझ आता है, हार्मोन सिस्टम कैसे चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है, हार्ट वाली चक्कर जो फर्स्ट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आसानी से जो है ना समझ में आने वाली होती है पढ़ लेना। अब देखिए इसमें जो मेन चीज़ है ना बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही एक मेन चीज़ है जो इसके अंदर एक समझे वो जो कहते हैं पर्सन के लिए रीड की हड्डी का जो काम करती है वो इस, ये जो है ना बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर ये एक प्रोसेस है जो रीड की हड्डी का काम करता है। वजह क्या है कि ये चीज़ जो है रिक्वायर्ड है जेनेटिक में, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करने के लिए ये वाला प्रोसेस एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और वो यही प्रोसीजर का प्रोटोकॉल है जो फॉलो होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें बाकी बहुत सारे प्रोसेस हैं, PCR है और इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और तरह के डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है क्या कहेंगे डोमेन के अंदर जो आते हैं। अब इसके अंदर ये जो टॉपिक है बेसिक है, सबसे स्टार्ट है बेसिक से मुराद सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इसकी क्या है बुनियाद की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी आगे वर्क कर रही होगी। होता क्या है कि हमें क्या करना होता है, हम लोग चाहते हैं कि कोई चीज़ की हम लोग हमें नीड हुई, मिसाल के तौर पर इंसुलिन था ना, इंसुलिन पहले जो डायबिटिक पेशेंट होते थे उनको इंसुलिन जब दिया जाता था पहले इंसुलिन का तो पता नहीं था क्या है कोई हार्मोन है, और इंसुलिन उनको देने के पहले जो है जब कोई डायबिटिक पेशेंट होता था तो अब दो केसेस होते हैं डायबिटिक की, एक पे इंसुलिन की जो है ना रेगुलर बेसिस पे इंसुलिन लगना होता है, सही है, तो इंसुलिन इतना होता ही नहीं था कि हर पेशेंट को लगा जाए, क्या करते थे पहले काऊ से या फिर इस तरीके शीप वगैरह से, दूसरा क्या है यानी इस तरह के जानवर जो है उनसे जो है इंसुलिन लिया जाता था यानी उनमें से निकाला जाता था और वो जो है उस पेशेंट को लगाया जाता था, और क्योंकि वो
इतने ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा होते थे और उसके मुकाबले में इंसुलिन जो था एक वक्त का या दो वक्त का जो मुश्किल से निकलता था एक मरता था एक गाँव में से। तो अब वो जब लगाया जाता था तो उसकी एक तो अमाउंट एक जो उसकी प्राइस होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, हर कोई अवेल नहीं कर सकता था, और दूसरा कोई अगर उसको जो है अवेल कर नहीं सकता कुछ नहीं कर तो वो कितनी मरतबा करेगा, उसके लिए हर सिर्फ इंसुलिन निकालने के लिए पूरी पूरी पाओगे क्या उसके लिए सिर्फ कोई बात नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसा भी नहीं होता था कि हल्का होगा जो है ना उसी के लिए सिर्फ कट दिया जाए उसी को पेशेंट मिल जाती है, तो एक बंदा है बाकी दूसरे बंदे के लिए क्या हो। तो इस चीज़ की जो है एक अहमियत पता चली कि जो है ना इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन अब इसके ऊपर पीछे वर्क हुआ पूरी हिस्ट्री होगी किस तरीके से वर्क हुआ क्या क्या हुआ। तो जेनेटिक मटीरियल जब पता चला जीन्स के क्या इन्वॉल्वमेंट होती है कौन सी चीज़ क्या वर्क करती है आगे आगे प्रोसीजर चलता गया, तो ये चीज़ फाइंड आउट हुई कि जो है इंसुलिन जो है हम लोग बना सकते हैं अगर जीन के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। तो वो क्या किया गया कि हर तरह से जो है एक सूटेबल चीज़ आपको मिल गई, वो क्या है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर हमें एक तो जेनेटिक मटेरियल की चेंजेस करने की हमें जो है एक वो क्लू मिल गया था कि हम लोग किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट जो है हासिल कर सकते हैं और बायोलॉजिक जो जेनेटिक से। और दूसरी बात ये कि हम लोग एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिल गया था जो रैपिडली डिवाइड होता है और हमारी डिजाइड जो है वैल्यू के अंदर डिवाइड हो रहा है। अगर हम लोग जो बड़े ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से उनकी बात करें तो उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट होती हैं, उसके अंदर के प्रोसीजर और अंदर के जो फॉर्मूला है वो डिफ़िकल्ट है, वो आसानी से जो है एक चीज़ मैनिपुलेट भी नहीं होती और मैनिपुलेट होने के अलावा वो चीज़ जो है सेल जो है वो डिवाइड इस तरह से नहीं होते जिस तरीके से बाकी दूसरों में होते हैं। क्या होता है कि एक तो बैक्टीरिया से जो नॉर्मल फ्यूजन का प्रोसेस होगा जो भी प्रोसेस होगा ऐसे क्यों डिवाइड हो जाएंगे और आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, आइडेंटिकल कॉपी बनती है तो किसी तरीके का हमें रद्दोबदल नहीं मिलता अगली जनरेशन में। तो हम लोग जो चीज़ चाह रहे होते हैं वही चीज़ हम लोग जो उसे रिजल्ट करी पिछली जनरेशन में वो आगे जनरेशन में जो डिवीजन होती है वो चीज़ हमें मिलती रहती है और इंतहाई रैपिड प्रोसेस है। रैपिड प्रोसेस होने की वजह से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है यानी अगले दिन अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी कॉलोनी बन जाएगी बनी हुई मिल जाएंगी और कॉलोनी जब मिल जाएगी यानी एक मिलियंस की तादाद में हमें सेल्स मिल गए जो हमने कुछ सेल्स के अंदर वो चीज़ इंसर्ट की थी उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इतनी तादाद में हमें बहुत जल्दी रैपिड फॉर्म में जो है क्या मिल जाता है रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो हमें वहाँ पर आसानी से मिल रही थी इस माइक्रो लेवल में माइक्रोब्स के अंदर। तो इस चीज़ को फिर जो है ना कंसीडर किया गया इसके ऊपर प्रोसेस किया गया। तो अब इन दी एंड क्या हुआ कि वहाँ पे जो है ना इंसुलिन जब हमें रिक्वायर्ड था तो वहाँ पे इंसुलिन की जो जीन थी वो क्या की गई इंसर्ट की गई बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया ने फिर जो है उसको क्या किया प्रोड्यूस किया इंसुलिन और वो इंसुलिन फिर जो है एक लार्ज अमाउंट में क्या हुआ प्रोड्यूस होने लगा और हमें जो है मिलने लगा। अब जब वो मिलने लगा है हमें तो जो डायबिटिक पेशेंट की जो नीड थी वो जो है ना पूरी होना शुरू हो गई। तो ये हमारी आसानी हो गई कि उन लोगों को इंसुलिन अब आसानी से मिल जाएगा, इसकी कॉस्ट कम हो गई, अमाउंट हमें अच्छी खासी जो है मकदार में वो मिल जाता है और जो है उसकी कमी नहीं होती इंसुलिन की उस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें थी और प्रोसेस बड़ा फास्ट है, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक जनरेशन कुछ अगले जनरेशन में हमने देखा तो वो मसला ही कुछ छोड़ गया कोई और चीज़ पूरी हो गई है कोई नहीं हुई इस तरह से चीज़ें नहीं हो रही थी। जिस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी जो बेनिफिशियल थी हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुई। तो ये प्रोसेस हुआ इसी बेस पे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेस पर ही ये प्रोसेस आगे हुआ था जब हमने इस मामले को समझ लिया था कि इस तरीके से प्रोसीजर चलता है और हमारे लिए हेल्पफुल होता है आगे। तो हमने एक अपनी जो है रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर लिया था इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। अब इसी के बेस पर बाकी और चीज़ें भी जो है डिफरेंट डोमेन्स हैं डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिसिप्लिन चलते हैं और वहाँ पर डिफरेंट तरीके के वर्ड्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके और उससे जो है हम लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं। ठीक है तो आगे हम लोग ये तो थोड़ा इंट्रो था कि क्या इसकी बेस है बायोटेक्नोलॉजी की। आगे इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।